प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। योगी सरकार 2 का आज 100 दिन पूरा हो रहा है, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि 100 दिन में सरकार का क्या एजेंडा रहा है और सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है और आगे क्या एजेंडा रहेगा। उससे पहले हम आपको लोकभवन के प्रांगण में मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। वहीं पर देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और कई तरीके के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो लोकभवन में हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरें, जिसमें लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब निकलेंगे तो वो देखेंगे। जब भी कोई शुभ कार्यक्रम होता है, जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़े उल्लास और हर्ष के साथ आज योगी सरकार के 100 दिन जो पूरे हुए हैं उसको सरकार मना रही है। आज योगी सरकार 2 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, किस तरीके का कार्यक्रम? सर, यहाँ पर हम लोग अपनी लोक कलाकारों की टीम मथुरा से लेकर के आए हैं, जो कि मयूर नृत्य की प्रस्तुति हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हमारे साथ में कई टीम यहाँ आई हैं, बुंदेलखंड से भी आई है और विभिन्न विभिन्न जिलों से यहाँ पर टीम आई है। लोक कलाकारों को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय योगी जी को कि उन्होंने लोक कलाकारों के विषय में सोचा, जो कि हमारे पास कोई परमानेंट काम तो होता नहीं, कोई फिक्स जॉब होती नहीं। लोक कलाकार हैं, आज 4 दिन काम है, 5 दिन नहीं है, तो हम बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, ताकि उन्हें लोक कलाकारों के विषय और आगे सोच सकें और उनको प्रमोट कर सकें। बीच बीच में लगातार जो कार्यक्रम हो रहा है उससे आप लोगों को भी थोड़ा सा? जी बिल्कुल, वही हमारा जरिया, रोजी रोटी का जरिया वही है। हमारे बच्चे वही खाते हैं जो हम यहाँ से कमा के ले जाते हैं और हमारे पास कोई इसका जरिया नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये सौभाग्य का बात है जो सरकार लगातार? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का लोक कलाकारों के लिए इतना प्रेम है कि जब उनकी शपथ समारोह हुआ था तभी भी हम लोग आए थे और कई कार्यक्रम में हम लोगों ने अपनी शिरकत की अपने पूरे ग्रुप के साथ में। और हमें यहाँ से संस्कृति विभाग का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो लोग हमें बुलाते हैं अपनी प्रस्तुति के लिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश प्रसाद शर्मा, जिला मथुरा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।